रांची नगर निगम को 500 बस मिलने जा रही हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसान हो सकेगा, साथ ही ज्यादा संख्या में लोग बसों में सफर कर सकेंगे। इन बसों को रांची नगर निगम को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय देगा। नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि निगम को 500 बसें केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय देगा। 500 नई बसें मिलने के बाद शहर में और भी नए रूट बनाकर उन पर बसें चलाई जा सकेंगी, जिससे रांची के हर कोने को शहर से जोड़ा जा सकेगा। वहीं लोगों को भी यात्रा करने में सहूलियत होगी। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए अब ये 500 बसें मिलेंगी तो काफी सहूलियत, सबसे ज्यादा फायदा तो यात्रियों को होने वाला है, जो अक्सर यहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें तो उसे लेकर थोड़ी सी कमी जरूर नजर आती है, लेकिन अब जब ये 500 नई बसें सड़क पर दौड़ेंगी तो काफी सहूलियत मिलेगी यात्रियों को। देखिए आरती, जिस तरह से केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के तहत जो है रांची नगर निगम को 500 नई बसें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि पूरे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो आम लोग जो ऑटो में चलते हैं या दूसरे चीज़ों से आवागमन करते हैं और उनके जेब पे भारी पड़ता है, तो सिटी बसें को आने से जो है एक पूरे शहर में मूवमेंट होगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज रूप से आसानी से जा सकते हैं, तो एक हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी, मतलब एक राज्य को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, और इसको लेकर नगर निगम जो है पूरी तैयारी शुरू कर दी है, प्लानिंग कर रही है कि किस किस रूट में कब कब बसें चलेंगी। लेकिन इससे पूर्व नगर निगम के पास कम से कम 50 से 51 बसें थी, लेकिन उसमें से अभी मात्र 20 से 22 बसों का ही परिचालन हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 रूटों के लिए होता है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा सभी लोगों को नहीं मिल पाता था। और कई बसें जो हैं अभी भी बकरी बाज़ार के नगर निगम का जो परिसर है, जो वहाँ जो जहाँ बकरी बाज़ार में नगर निगम का एक बड़ा प्लॉट है, वहाँ काफ़ी संख्या में बसें सड़ रही हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब 500 बसें मिलेंगी, कौन चलाएगा इसको, चलाने के लिए एक योग्य आदमी लोगों को देना होगा। कोई भी कंपनी यदि चलाती है ये बस, तो उसके रख रखाव मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अमूमन होता ये है कि 1-2 महीने के बाद जो है बसों की स्थिति खराब हो जाती है, और वो फिर बसों का जो है यहाँ बकरी बाज़ार में रख दिया जाता है और बसें धीरे धीरे सड़ती जाती है। तो सरकार ने किसी जिस योजना के तहत दे रही है कि आम लोगों को इससे सहूलियत हो, और शहर में जैसे दिल्ली में आप देखेंगे जिस तरह से सिटी बसों का परिचालन होता है, तो वहाँ आम लोगों के लिए सहूलियत होती है। अब जब रांची को ये 500 बसें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि पूरे शहर में आप कहीं भी जा सकते हैं, जिसका जो फेयर होगा कम होगा, क्योंकि अमूमन ऑटो में या ई रिक्शा में जो लोग जाते हैं, भाड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है और पूरी तरह से लोग परेशान रहते हैं। तो अब एक नई योजना के तहत रांची नगर निगम को मिल रहा है, तो एक बड़ी खबर है। और लेकिन इससे बड़ी बात ये होगी कि जो मुकेश कुमार जो सीईओ है नगर निगम के, एक ठोस प्लानिंग वो कर रहे हैं कि कैसे हम बेहतरीन तरीके से चलाएं और कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा। जो पुराने जो रूट चार्ट रहे हैं आरती, उसके स्टॉपेज जो है काफ़ी कम जगह में रहे हैं, तो अब एक से फिर एक नए सिरे से पूरे शहर में एक नया स्टॉपेज बनाना होगा, उसके लिए शेड बनाना होगा। और इस बार जो भी यदि सिटी बसों का परिचालन कर रहा है, उसके लिए एक पोशाक भी होनी चाहिए, एक वर्दी होनी चाहिए, ताकि आइडेंटिफाई हो कौन कंडक्टर है, कौन ड्राइवर है, क्योंकि अमूमन अभी जो बसें चल रही हैं उसमें किसी भी तरह का कोई ड्रेस कोड नहीं है। जब भारी संख्या में बसों का परिचालन होगा, तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है और लगता है कि एक नियम के अनुसार तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये एक बड़ी पहल है, केंद्र सरकार यदि रांची नगर निगम को दे रहा है, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि केंद्र की नज़र जो है रांची के आम लोगों को, की सुविधाओं को देखते हुए ये बातें वाकई राहत देने वाली हैं।
कि यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी, 500 बसें नगर निगम को दी जाएंगी, तो सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि पैसेंजर्स को सहूलियत होंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा चैलेंजेस होंगे वो ये होंगे कि अगर ये 500 बसें सड़कों पर उतरेंगी तो फिर सड़क की हालत जो ट्रैफिक हैजल पहले से है उनके बीच इन बसों को दौड़ाना ये बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत सारे फ्लाईओवर निर्माणाधीन हैं, रास्ते बहुत सारी सड़कें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो इन सब चीजों पर भी पहले ध्यान देना होगा क्योंकि पहले से ही ट्रैफिक की इतनी मारामारी है। ऐसे में 500 नई बसें और सड़कों पर आएंगी तब ये हालात और भी कुछ नई कहानियां कहेंगे और उस वक्त ये दोनों के लिए चुनौती होगी, नगर निगम के लिए भी और नगर विकास मंत्रालय के लिए भी। देखिए ये जो बातें आप कह रहे हैं ये 100% सही है। देखिए पूरे शहर में आप यदि घूमेंगे आरती तो अमूमन जो है सड़क के किनारे अतिक्रमण भी काफी है। रांची की जो सड़कें हैं पहले की तुलना में चौड़ी भी हुई है और अभी देखिए 4 लेन बनाने की भी बात हो रही है। कचहरी से कांटा टोली जो है 4 लेन बनने की बात है। ऐसे अमूमन अब जब रात में जब सड़कें सन्नाटा रहती है तो उस समय आप सड़कों की जो चौड़ाई है वो देखने से लगता है कि सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन रांची में जो लोग सड़कों पे चलते हैं लेन का ख्याल नहीं रखते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। जिसमें हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, मान लीजिए आप डंगरा टोली से कांटा टोली की ओर जा रहे हैं और जो ट्रैफिक सिग्नल है ये बता रहा है कि आपको लेफ्ट कोकर की ओर जाना है, तो वो रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन लोगों की अज्ञानता या जो सिविक सेंस है उसकी कमी की वजह से वो लोग लेफ्ट का जो रास्ता है उसे भी पूरी तरह से आम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी हमारी भी गलती है कि हर समय हम सरकार को हर चीज को लेकर प्रशासन को कोसे, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन हमारे में भी शहर के लोगों में भी सिविक सेंस होनी चाहिए। यदि आपको कांटा टोली से बहु बाजार की ओर जाना है तो आपको रोड के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेकिन लोग लेफ्ट में खड़े होते हैं, राइट की ओर टर्न करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलानी होगी, ट्रैफिक सिग्नल को बेहतर करना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में 500 बसों का जो वजन है वो शहर झेल पाएगा। लेकिन रूटों का परिचालन अलग अलग होगा और व्यवस्थाएं सही होंगी तो हमें लगता है कि तमाम लोगों के सहयोग से इस योजना को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, जिससे आम लोगों को कम समय में आप ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी। और अभी पूरी तरह से प्लानिंग जो है नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में रांची शहर की जो तस्वीर और तकदीर है, जो बसों का जो परिचालन है, एक बड़ी योजना की शुरुआत जो है नगर निगम करेगी, क्योंकि केंद्र से जो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये 500 बसें जो मिलने जा रही है ये रांची के लिए एक बड़ा तोहफा है। चलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये तोहफा मिलेगा तो उसके साथ जो चुनौतियां हैं उसका भी निराकरण किया जाएगा। अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए रांची के हर कोने को शहर से जोड़ने की कवायद चल रही है और इसी कवायद में 500 नई बसें नगर निगम को दी जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे जाहिर तौर पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उनसे मंत्रालय और निगम कैसे निपटेगा ये भी सवालों के घेरे में है और ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा।